लेट्स गो। गाइस चलते हैं चाय पीने के लिए हम लोग नीचे। आओ ओए बाजार है, चलो जल्दी चलो। गाइस ट्रेन का हॉर्न बज चुका है। गाइस चार्जर है हमारे पास, आईना भी है और सुजंती तो है ही। प्लीज सब सर करा। तो गाइस देखिए इसको, 2 घंटे हो गए ये पैकिंग करने बोला हूँ, अभी रात के 1 घंटे बाद ट्रेन है और ये अब पैक कर रही है। तो गाइस रेडी हो चुके हैं हम लोग और निकल रहे हैं बस स्टेशन के लिए, तो लेट्स गो। गाइस हम लोग ये खा रहे हैं, आपको पता है ये क्या है तो कमेंट करें। नहीं तो गाइस फाइनली पता चला है कि ट्रेन है 3 घंटे लेट और 3 घंटे पहले से हम लोग स्टेशन जाके क्या ही करते, इसलिए हम लोग आराम से जा रहे हैं। और अभी टाइम हो चुका है रात के 8:30 और हम लोग की ट्रेन आने वाली है 9 बजे। तो लेट्स गो टू द स्टेशन और फिर मिलते हैं आपको स्टेशन में। गाइस पहुँच चुके हैं हम लोग स्टेशन और स्टेशन में सुजंती जा चुकी है पहले और अब जा रहा हूँ मैं, बिकॉज गाड़ी रखना था कहीं। तो लेट्स गो। ईस्ट कोस्ट रेलवेज गोवा का स्टेशन जैसे ही पेड़ लगा है गाइस। काफ़ी सारे यात्रीगण भी आ चुके हैं गाइस, को पैसेंजर्स। स्वागत है गाइस आपका अपने रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन पूरे 3 घंटे लेट है और बहुत सारे यात्रीगण प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम लोग लेने गए थे ये आलू भुजिया। गाइस ट्रेन जस्ट आने ही वाला है और देखो सब के सब इतना रेडी हो गए हैं जाने के लिए और ये भी बैग लेकर। मैं क्या करूं फिर? 10 की स्पीड में आ रहा है ट्रेन। लेट्स गो। आ चुके हैं S5 इंडियन रेलवे, चलो अंदर। गाइस चार्जर है हमारे पास, आईना भी है और सुजंती तो है ही, तो चलते हैं फिर। तो गाइस रात के 11:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं कोरापुट स्टेशन में। गाइस पहाड़ के बीच में ही ट्रेन रुक गई है, तरफ पहाड़ है पर दिखाई नहीं दे रहा है। 1 hour later गाइस हमारा ट्रेन वाला साला इंजन स्टार्ट करके रखा है बट चल नहीं रहा है और अभी मुझे पता चला है कि यहाँ से 2 किलोमीटर तक का वायर टूट गया है ट्रेन जिससे कनेक्टेड रहती है। 1 hour later या 20 किलोमीटर कुछ तार टूट गया है लेकर जाएगा, फिर उसके बाद ही आगे का सफ़र होगा और पिछले 2 घंटे से हम लोग यहीं वेट कर रहे हैं। ट्रेन रुका है, ये मोबाइल चलाए पड़ी है, ये नहीं कि ट्रेन चलाऊँ। गाइस रात से सुबह के 5:30 बजने वाले हैं और देखिए हल्का हल्का उजेला हो गया और हम लोग पहाड़ के बीच में, ट्रेन चल ही नहीं रही है। साला क्या स्टेशन है नहीं मालूम। करक अवलासा। गाइस वहाँ नीचे गांव है और अगर आपको स्टेशन आना है तो वो यहाँ से रोड से ऐसे चढ़ के ऊपर पहाड़ पे आना पड़ेगा गाइस, तब आपको स्टेशन मिलेगा। ए चुप्पे, ट्रेन के पीछे भी है बस पहाड़ ही पहाड़। देखिए गाइस चारों तरफ से हम लोग पहाड़ से घिरे हुए हैं। गाइस सुबेरा हो गया, बोल के पब्लिक ब्रश करने लगी है ट्रेन में, कब चलेगी पता नहीं। ये देखिए गाइस भैया अपने दतून का जुगाड़ कर लिए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, देखिए भैया को मिल गया है दतून और भैया ट्रेन का मजा लेते हुए यहाँ दतून कर रहे हैं। गाइस कुछ लोग ट्रेन छोड़ कर चले गए गाँव की तरफ कि कुछ मिलेगा वहाँ। ये देखिए गाइस इसको पहाड़ों का मज़ा लेना था और ये देखिए पहाड़ का पूरा मज़ा लेते हुए सीनरी वादियाँ, मैंने इसके लिए खुद यहीं पार्क कर लिया है ट्रेन। जहाँ मन चाहे वहाँ रुक के ये साइट सीन करती है, देखिए क्या सीन है। और पिछले 6 घंटे से ट्रेन रुकी है यहाँ पे यार, सीरियसली ये झूठ बोल रही है गाइस। 1 बजे से वो रुकी है ना, तो 4 घंटे से ही रुकी है बस। हाँ तो हो गया ना, यहाँ से खाई है, यहाँ से कूद भी सकते हैं अपन, नीचे गिरेंगे सीधे पर। ए चुप्पे, मैं चिल्लाता हूँ गाइस गांव वालों चुप। गाइस भीड़ बढ़ता जा रहा है ट्रेन के बाहर। गाइस अगर पैदल जाएंगे तो 10 घंटा लगेगा
और बाइक में जाएंगे तो एक दो घंटा में पहुंच जाएंगे गाइस। गाइस सारे यात्री उतर के अब धक्का मारने वाले हैं ट्रेन को। गाइस इसका बोलना है कि पैदल चलते हैं यहाँ से विशाखापट्टनम। अभी खुफिया सूत्रों से खबर मिला है कि वो वहाँ पर कहीं पर चाय मिल रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। गाइस चलते हैं चाय पीने के लिए हम लोग नीचे। कुछ हमारे साथी मुसाफिर देखिए नीचे गांव की तरफ जा रहे हैं, और वो देखिए गांव है हमारा ट्रेन। देख रहे हैं गाइस पहाड़ों पे स्टेशन है और ट्रेन रुकी हुई है। बंगलो फेल है, देखिए क्या मस्त इसके घर में फूल लगा है, फल लगा है, और इसके कोर्टयार्ड में देखिए बैठने की व्यवस्था है, और इतना बढ़िया उसका डाइनिंग एरिया है, और पूरा खुला खुला घर है, और क्या चाहिए जीवन में। सामने केले का पेड़ है, आम का पेड़ है, पपीता का पेड़ है। काफ़ी भीड़ के लिए एक डिफरेंट हाउस है, ये देखिए यहाँ पर सब लोग चाय पीने के लिए घर में आए। और सामने पहाड़, क्या तो सीन है गाइस, एकदम मस्त गांव है ये। इस ट्रेन का भी आवाज़ आ रहा है, बट यहाँ एक टैपरी इन द माउंटेन मिल चुका है हम लोगों को। ये देखिए इतना भीड़ यहाँ चाय के लिए, और ये देखिए अम्मा भी यहाँ बैठी हुई हैं। हेलो अम्मा जी, के घर के ऊपर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। वाओ, ओए बजा रहे, चलो जल्दी चलो गाइस, ट्रेन का हॉर्न बज चुका है, भागो। गाइस चाय खत्म हो गया था, फिर से बना रहे हैं। और क्या चाहिए गाइस आपको अगर आपका घर यहाँ हो। देखिए फूल मस्त, यहाँ मुनगा उगा, ड्रम स्टिक का पेड़ है ये, और ये देखिए पपाया और आम और पता नहीं जाम और अनार, और सारे पेड़ लगा दिए हैं इन्होंने यहाँ। गाइस फूल मिल गया है, फूल फूल। हेलो, हाउ स्वीट, इतनी खुशी। अभी देखा मैं, ये लोग बैंगन भी उगा लिए हैं यहीं पर ही। चलो जल्दी जल्दी, अनार है गाइस, कटहल है, गुलाब है, वाओ व्हाट अ हाउस। आग भी जल रहा है, देखिए गाइस कुछ पक भी रहा है उसमें, और ट्रेन हमारा स्टार्ट होने वाला है। ऊपर से आवाज दे रहे हैं कि जल्दी आओ, ट्रेन छूटने वाला है, जल्दी भागते हैं गाइस। चाय तो मिल गया है, फटाफट स्टेशन पहुंचना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ट्रेन भी स्टार्ट हो चुका है शायद। गाइस ये एकदम बेकार चाय था, एकदम बेकार हो रहा था कि चलने वाली है ट्रेन, बट अभी भी नहीं चल रही है गाइस। हम लोगों को आज 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, बेकार चाय है। गाइस फाइनली लग रहा है ट्रेन चलने वाली है, और ये अपोजिट साइड का नज़ारा देखिए, यहाँ भी पूरे पहाड़ी पहाड़ हैं। देखिए गाइस दूर दूर तक बस पहाड़। फाइनली गाइस ट्रेन चल रही है, सही बोले, बहुत घंटों बाद, 7 घंटे बाद खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।